हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं चीन पाकिस्तान बॉर्डर की। चीन आजकल कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो रहा है। हमें शक है कि चीन जल्द ही आने वाले समय में हम पर हमला कर देगा या फिर घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। इसके कई उदाहरण है, जैसे कि चीन ने हाल ही में यूएसए को देखकर एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करके टेस्ट किया था। सिर्फ यही नहीं, पर साउथ चाइना सी में भी चीन काफी आक्रामक दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि सबके बाद भारतीय आर्म फोर्स अनइजी फील कर रहे होंगे और अपनी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उतावल होंगे। शायद इसीलिए ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर हो रहे भारत चीन स्टैंड ऑफ को ध्यान में रखते हुए आर्मी ने 800 लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल्स को खरीदने का फैसला लिया है। उत्तरी बॉर्डर से स्पेशली पहाड़ी इलाके और बर्फीली ईस्ट में डिप्लॉय किया जाएगा। लद्दाख और नॉर्थ सिक्किम जैसे इलाकों में रिकॉन्साइंस सर्वेलेंस ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तरी बॉर्डर के अलावा इन व्हीकल्स को पश्चिमी बॉर्डर पर भी इन व्हीकल्स को पश्चिमी पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए प्लेन्स और डेजर्ट्स में डिप्लॉय किया जाएगा। इन्हें रेकी और मैकेनाइज इन्फेंट्री के सर्वेलेंस प्लेटून्स और आर्मर्ड रेजिमेंट्स के रेकी ट्रूप्स इम्प्लॉय करेंगे। आर्मी ने ये बताया है कि इन व्हीकल्स को डिफेंस के सामान को बेचने वाले भारतीयों से ही लिया जाएगा। उनकी प्रेफरेंस है कि ये सब देशज बनाई हुई हो, कि भारत में ही उसकी डिजाइनिंग डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग की गई हो। तो ऐसे तो बहुत सारे बेचने वाले मिल जाएंगे आर्मी को, है ना? ऐसा थोड़ी ना है। भारतीय आर्मी ने सारे बेचने वालों के सामने एक शर्त रखी है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंदर इन्हें सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने होंगे और हर साल कम से कम 300 डिलीवरीज होनी चाहिए। कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, कितने सारे बेचने वाले आर्मी की इन शर्तों को स्वीकार करके बेचने के लिए तैयार होंगे। एक बार गेस तो कीजिए। व्हीकल्स को कुछ इस तरह से बनाया जाएगा कि वे अच्छे से हिल डुल सके और ट्रूप्स को सुरक्षा प्रदान कर सके जब वे रेकी और लगातार सर्वेलेंस में लगे रहे। कैसे? ऐसा प्लान किया गया है कि बैटलफील्ड सर्वेलेंस रिडार्स, थर्मल इमेजर्स और हाईटेक ड्रोन से मदद लेकर ट्रूप्स इंटेलिजेंस गैदर कर पाएगी। यदि ऐसा हुआ तो भारत के पास एक बेहतरीन और ताकतवर स्पाई मशीन और अटैक मशीन एक बार में उपलब्ध हो जाएगा। पर इनकी इतनी जरूरत क्यों है? आर्मी के ऑफिशियल ने समझाया कि ऐसे मशीन्स मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस और आर्मर्ड रेजिमेंट्स की आंख और कण होते हैं और इन्हें एनिमी टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बिल्डअप पर इंटेलिजेंस गैदर करने का काम मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा।